करके इस चित्र को नए से खारिज करता हूँ और उसी प्रकार से दहन करता हूँ। हमारे जो बच्चों ने आत्मदाह किया था उनके प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अंबेडकर को के कृत्य को वास्तव में समाप्त हो जाना चाहिए। ट्विटर पे एक जयप्रकाश मिश्र पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र मिश्र, जो अपने को राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हुए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में गलत टिप्पणियां करते हुए एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसके खिलाफ थाना बड़लगंज में उचित धाराओं में एफआईआर तत्काल लिखा गया है और उनकी गिरफ्तारी है तो अलग अलग जगह पे टीम गठित करके तलाश ली जा रही है। जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ मेरे हैं? पूरे देश के सामने सवाल है, पूरे उत्तर प्रदेश के सामने सवाल है, देश के हर नागरिक के सामने सवाल है और भारत देश के हर एक भीम सैनिक के सामने सवाल है। क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ मेरे हैं? क्या बहुजन महापुरुषों का मिशन सिर्फ मेरा है? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मिशन मेरा है? क्या भारत देश का संविधान सिर्फ मेरा है? क्या बाबा साहब अंबेडकर जी का और हमारे महापुरुषों का मान सम्मान स्वाभिमान सिर्फ मेरा है? क्या ये देश का संविधान सिर्फ मेरा है? क्या ये भारत देश सिर्फ मेरा है? नहीं ना, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है या सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी है? मेरा खून खोल रहा है, मुझसे नहीं रुका जा रहा। पूरे देश भर से हजारों शिकायतें उस हराम के पिल्ले के खिलाफ की गई हैं, लेकिन किसी भी राज्य की पुलिस ने कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। गोरखपुर पुलिस को, यूपी पुलिस को, तमाम राज्यों की पुलिस को, उत्तर प्रदेश के जिलों की पुलिस को शिकायत की गई है, लेकिन उस हराम के पिल्ले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुझे अपना निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर मैं उसके सिर पर इनाम रख देता, या मैं उसका सिर कलम करने की धमकी देता, या मैं उसकी जुबान काटने की चुनौती देता, धमकी देता, हमारे ही अंबेडकरवादी लोग हमें गलत बताते। लेकिन फैसला कर लिया है हमने, हम अपने घर से निकल चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं उस आतंकवादी की, उस मनुवादी की, उस जातिवादी की, उस जातिवादी चूहे की, उस आतंकवादी पिल्ले की, उस हराम के पिल्ले की बात कर रहा हूं, जिसने बाबा साहब अंबेडकर जी के फोटो को फाड़ा, फोटो में आग लगाई, सरे आप अपमान किया और हमारे लोग सिर्फ वीडियो शेयर कर रहे हैं। मुझसे नहीं रुका जा रहा, मुझसे नहीं देखा जा रहा, मैं निकल चुका हूं। वह व्यक्ति, वह हराम का पिल्ला, हमें मालूम चला है कि योगी आदित्यनाथ जी के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर के गांव कल्याणपुर का रहने वाला है। हम जाएंगे गोरखपुर, हम निकल चुके हैं गोरखपुर के लिए। हम गांव कल्याणपुर जाएंगे और भीम सेना उस मनुवादी पिल्ले को, उस हराम के पिल्ले को, उस जातिवादी कीड़े को, उस चूहे को, उसके बिल से निकालकर, उसकी पूंछ पकड़कर, उसे घसीटते हुए दिल्ली लेकर के आएगी। ये फैसला किया है हमने। हमें नहीं पता योगी की सरकार हमारे ऊपर क्या करेगी, हमें नहीं मालूम कि मनुवादी लोगों में क्या होगा, हड़कंप मचेगा या वो कुछ तैयारियां करेंगे। इतना तो तय है कि देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ चुका है, पूरे देश में बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है, बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती को कलंक बताया जा रहा है, पूरे देश में बाबा साहब के नाम से तमाम तरह के गलत प्रचार किए जा रहे हैं, उनको गलत बताया जा रहा है, उनके ऊपर गलत टिप्पणियां की जा रही हैं। बुलंदशहर में हमारे लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मनाई तो उन्हें उठा करके अंदर कर दिया, उन्हें मारा पीटा, उनके ऊपर केस लगाए। योगी की सरकार ने जयंती मनाने से रोक दिया। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारत की सरकार ऐसे जातिवादी कीड़ों को संरक्षण दे रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसे जातिवादी कीड़ों को संरक्षण दे रही है जो बाबा साहब का फोटो जलाते हैं, बाबा साहब के मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, SC ST एक्ट मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई, मैं गोरखपुर के लिए निकल चुका हूँ, भीम सेना गोरखपुर के लिए निकल चुकी है। जो साथी मुझे मिलेंगे वो मेरे साथ होंगे, वरना मैं अकेला ही काफी हूँ।
मैं अकेला ही काफी हूँ वन मैन आर्मी, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका बेटा हूँ। घसीटते हुए लाएंगे हम जो साथी हमारे साथ हैं, उनमें पूरा दम है, पूरा दमखम है। घसीट लाएंगे उसको, दिल्ली लेकर के आएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। बता दो पूरे देश में कि भीम सेना निकल चुकी है, अब आवाज उठाने को बख्शा नहीं जाएगा वो मनुवादी जिसने बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो जलाई है सरेआम। बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। योगी आदित्यनाथ जी उनको कितना ही संरक्षण दे, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको कितना ही संरक्षण क्यों ना दे, अब भैया जी नवाब सतपाल तंवर निकल चुके हैं, भीम सेना निकल चुकी है। क्योंकि मैं अपने समाज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान होते ही उन्हें नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान होते हुए मेरा खून खोल रहा है, मैं अपने घर में कैद नहीं रह सकता, मेरा खून खोल रहा है। घसीटते हुए लाएंगे उसको, घसीटते हुए लेकर के आएंगे दिल्ली, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। साथियों साथ दीजिएगा, मुझे नहीं पता आने वाले कुछ घंटे क्या गुजरेंगे जब हमारी यूपी में एंट्री होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकता। मुझे ये मालूम है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे महापुरुषों ने जिम्मेदारियां दी है ना हमें, मैं उन जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकता। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को धोखा नहीं दे सकता, बहुजन समाज को धोखा नहीं दे सकता, मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का, अपने महापुरुषों का अपमान सहन नहीं कर सकता। हम निकल चुके हैं गोरखपुर के लिए, गांव कल्याणपुर गोरखपुर, बख्शा नहीं जाएगा उस आतंकवादी को। जय प्रकाश मिश्रा उसका नाम बताया गया है, तैयार रहे, तैयार रहे जय प्रकाश मिश्रा, बहुत जबरदस्त तरीके से तुझे घसीटते हुए हम दिल्ली लेकर के आएंगे, क्योंकि देश की सरकार उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, अब भीमसेना की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। साथ दीजिएगा, साथ दीजिएगा, अगर भीम सैनिक को आपका खून खोलता हो तो साथ दीजिएगा। मैं अंजाम की परवाह नहीं करता, मैं परिणाम की परवाह नहीं करता, सिर्फ कर्म करना मेरा मकसद है, सिर्फ इस देश में बदलाव करना मेरा मकसद है, व्यवस्था परिवर्तन करना मेरा मकसद है। जो बाबा साहब अंबेडकर जी के ऊपर आंख भी उठाएगा ना, वो आंखें निकाल ली जाएंगी, जो उंगलियां उठेगी उन हाथों को काट डाला जाएगा, जो बाबा साहब अंबेडकर जी पर टिप्पणी करेगा सरे आम फांसी पर लटका दिया जाएगा उसको, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। देश का कानून, देश की सरकार, देश के कानून के तरीके से न्याय करे, उसको पकड़ के अंदर करे, गिरफ्तार करे, उसको फांसी पर लटकाए, वरना आ रहे हैं हम गोरखपुर पुलिस को भी कहना चाहते हैं सुरक्षा बढ़ा लीजिएगा उस चूहे की, आ रहे हैं हम गोरखपुर कल्याणपुर, हम निकल चुके हैं। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। साथियों आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर, भीम सेना प्रमुख, भीम सेना चीफ का साथ दीजिए, साथ दीजिए, अकेले मेरे नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर जी। जय भीम। लाइक शेयर एंड कमेंट।